जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी फॉर्म लगी हुई है। तो कोशिश यही थी मेरी, आज जैसे खेल रहा था कि मुझे ये था कि मैं सेंचुरी इसको कन्वर्ट, इसको 100 में करूं, तो बस अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में आउट होना तो होता है। लेकिन आपकी वाली बात ठीक है कि काफ़ी दुख हुआ, लेकिन जब एक दफ़ा आउट हो गए फिर इंशाल्लाह कोशिश होती है कि नेक्स्ट गेम पे फोकस करें और नेक्स्ट इनिंग पे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा नेक्स्ट इनिंग में। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हो सकता था। जी बिल्कुल, अगर उनसे भी जो ऊपर से 3 आउट जल्दी हो गए थे करते तो हो सकता था, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो बस कोशिश यही थी कि जब मैं और उमर भाई खेल रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करें, बट अनफॉर्चुनेटली हम दोनों की विकेट एक साथ गिर गई, तो उसकी वजह से हम यही समझता हूँ कि ज़्यादा स्कोर कर सकते थे। लेकिन इंशाल्लाह जितना भी हुआ कोशिश करेंगे कि एज अ फील्डिंग यूनिट और एज अ बॉलिंग यूनिट हम इसको उनको जल्द से जल्द आउट करें और मैच का इंटरेस्टिंग हो। टॉप पे रहे। सबसे पहले तो इसको नॉर्मल गेम की तरह खेल रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत लंबा सीज़न है तो बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। तो बिल्कुल नॉर्दर्न भी हमारे साथ है पॉइंट टेबल पे, तो कोशिश यही होगी कि इनसे अच्छा मैच जीते या हम मतलब टॉप पे रहने की कोशिश करें। तो उसके लिए सब मैच में एफर्ट करते हैं, इसमें इंशाल्लाह ज़्यादा एफर्ट करेंगे क्योंकि नॉर्दर्न बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता आ रहा है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम टॉप पे फिनिश करें इस मैच के बाद। अच्छा, आखिरी सवाल, सेट महसूस हुआ? जी बिल्कुल, स्टेडियम की पिच पे बॉल ज़रा आता था, इस पे ज़रा स्पिनर को ज़्यादा हेल्प मिलती है और बैट्समैन के लिए भी बहुत अच्छा अच्छा पिच है, आप रन कर सकते हो अगर आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलो। तो बिल्कुल स्टेडियम से डिफरेंट है लेकिन मज़े का पिच है, इसमें बॉलर्स के लिए भी हेल्प है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैट्समैन के लिए। जैसा कि देखें हमारी, उनके बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, पार्टनरशिप लगने के बाद उन्होंने भी दोबारा कमबैक की है। तो बिल्कुल बॉलर्स अगर एफर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए इसमें पिच में बिल्कुल उनको हेल्प मिलती है। Yeah.